नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर भक्तू शर्मा हूँ। यहाँ उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, जो कि उत्तराखंड सरकार के अधीन जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है, एक संस्था है जो विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, प्रमोशन के लिए कार्य करती है, अनुसंधान कार्यों को प्रमोट करती है। तो उसमें मैं एज ए वैज्ञानिक केमिकल साइंस कार्यरत हूँ। तो आज हमारा जो व्याख्यान होने वाला है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस पर मैं कुछ बोलने वाला हूँ आपसे, जो हम चर्चा करेंगे वो पानी से रिलेटेड होगी, क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जीवन में पानी की कितनी इम्पोर्टेंस है, पानी कितना महत्वपूर्ण है, इस पर लगभग हम कई दशकों से सुनते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, लेकिन पानी की जो महत्वपूर्ण वो है, उपलब्धता है हमारे लिए, शुद्धता के रूप में कहें या मात्रा के रूप में कहें, उसकी ओर हमें थोड़ा गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। तो उसी संदर्भ में मैं आज आपके साथ पानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम जो पानी की बात करते हैं, जल क्या है? जल हमारी जो जीवन है, यानी जो पृथ्वी पर जो जीवन है, और अच्छे शब्दों में कहें पृथ्वी पर जो जीवन है, पृथ्वी पर जीवन का जो आधार है वो है जल। जल के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है, चाहे वो दैनिक जीवन की कोई भी क्रियाएं हो, खाने से संबंधित हो, कृषि कार्य हो, पशुपालन हो, औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए, या किसी दूसरे क्षेत्र की, मत्स्य पालन की बात की जाए, पन बिजली उत्पादन जो होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन, उसकी बात की जाए, आज के क्षेत्र में पानी की जो चर्चा होती है, तो पानी की चर्चा क्यों ज़्यादा होती है? पानी की चर्चा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि पानी की जो उपलब्धता है, पानी की जो शुद्धता है, उस पर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ संकट आ रहा है। तो आज हम जो जल की चर्चा कर रहे हैं, तो उस जल की चर्चा के लिए हम जल के पहले ये चर्चा करेंगे कि जल क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन शुद्ध जल और अशुद्ध जल, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चूंकि पानी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऐसा हम सभी जानते हैं, पानी जो पृथ्वी पर उपलब्ध है वो अधिकांशतः है खारे जल के रूप में है। समुद्र जो है, सागर है, उन पर 97% जो वाटर है पृथ्वी पर, यूं कहें पृथ्वी पर जो उपलब्ध कुल जल है उसका 97% जल खारे जल के रूप में है, सेलाइन वाटर है, जिसे हम पी नहीं सकते, एकदम सीधा लें चाहें तो पी नहीं सकते। और जो 3% जल है वो ताजे जल के रूप में है, उसको हम फ्रेश वाटर भी बोलते हैं, जो विभिन्न रूपों में मौजूद है, सरफेस वाटर के रूप में हो सकता है जिसे हम सतही जल भी बोलते हैं, भूजल के रूप में हो सकता है जिसे हम ग्राउंड वाटर अक्सर बोलते हैं, वो 3% है। अब सतही जल और भूमिजल, जिसे भूजल बोलते हैं, उसके अंतर्गत हमारे नदियाँ हो सकते हैं, झीलें हो सकती हैं, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, और बरसात के रूप में प्राप्त होने वाला पानी भी हो सकता है, जो विभिन्न भौतिक क्रियाओं के द्वारा जमीन के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर जाने पर उसको हम भूजल की संज्ञा देते हैं। अब चूंकि पानी की जो उपलब्धता है वो केवल 3% शुद्ध जल के रूप में है, अब शुद्ध जल जो 3% है वो स्थानीय, अगर बात की जाए स्थानीय स्तर पर बात की जाए, तो स्थानीय स्तर पर वो किसी छोटे से स्प्रिंग के रूप में भी है। उत्तराखंड में जो हमारे पानी के जो छोटे छोटे जल स्रोत हैं, जिसे हम गाढ़ गदेरा बोलते हैं, नौला बोलते हैं, उनके रूप में है, जो हमारी आसपास रहने वाली आबादी को जलापूर्ति करता है, सप्लाई करता है, और उनकी दैनिक जो क्रियाएँ हैं उनको संपादित करने में मदद मिलती है। अब पानी
चूंकि पानी हमारे आसपास या पहाड़ में कहें या मैदानी क्षेत्रों में कहें, पहाड़ में पानी बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है, काफ़ी मात्रा में बारिश होती है, लेकिन होता क्या है कि जो पानी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान का जो स्लोप का जो एंगल है, इस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात होती है वो तीव्र ढलानों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में बह जाता है और वहाँ जिस जगह की बारिश होती है उस जगह की आबादी को उस रूप में नहीं मिल पाता है जिस रूप में आवश्यकता होती है, और मैदानी क्षेत्रों में ये बाढ़ का रूप लेके जाता है। मैदानी क्षेत्रों में हम अक्सर देखते हैं कि बाढ़ आ गई, बाढ़ कहाँ से आती है, पहाड़ों का पानी ही मैदानी क्षेत्रों में जाकर के बाढ़ की विभीषिका के रूप में दिखाई देता है जिसमें जान माल का नुकसान होता है। पहाड़ की अगर बात कहें तो पहाड़ पर जो पानी है उसको हम संरक्षित भी कर सकते हैं, उस संरक्षण की जो विधियाँ हैं उन्हें मैं किसी अगले व्याख्यान में आपसे चर्चा करूँगा। आज जो चर्चा का विषय है वो जल की गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, साथ ही साथ जल की उपलब्धता। इन विषयों पर आज हम बात करेंगे, जल की उपलब्धता और जल की गुणवत्ता। क्योंकि मैंने अभी जल की उपलब्धता के संबंध में आपसे अभी चर्चा की, तो जो हमारा जो जल है, हमारी धरती पर जो जल है वो विभिन्न रूपों में मौजूद है और हम उसको अपनी आवश्यकता अनुसार, चाहे वो ट्यूबवेल के माध्यम से हो या कोई सरकारी विभाग हो जो हमें पाइपलाइन के थ्रू हमारे घरों तक पानी पहुंचाते हैं, उसके द्वारा हम तक पहुंचता है और हम उसका अपने कार्यों के लिए, कार्यों के संपादन के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति में जल एक रूप में नहीं रहता है, प्रकृति में जो जल है उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, ठोस रूप में भी हो सकता है, वो गैस रूप में भी हो सकता है, वो द्रव रूप में भी हो सकता है। अब क्योंकि प्रकृति में जो जल है वो अलग अलग रूपों में रहता है, वो एक चक्र के रूप में, पृथ्वी पर जल एक चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के बाद में वो एक चक्र के रूप में हमारी पृथ्वी पर मौजूद होता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि जो 97% जो जल है वो खारे जल के रूप में है। अब चूंकि पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी जो पड़ती है उसके द्वारा जो सतही जल है, चाहे वो सागरीय जल हो या नदियों का, तालाबों का, झीलों का जल हो, वो क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट होने के बाद में वो वाष्प में परिवर्तित होने के बाद में कहाँ, हमारे वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में चले जाने के बाद में वो क्या करते हैं, उस पानी का जो रूप है वो बादलों के रूप में हो जाता है, बादलों के रूप में वो संघनित रूप में आ जाता है। पानी का जो एकत्रित रूप है वाष्प के रूप में, जो ऊपर इकट्ठा होता रहता है, हल्की वाष्प जो ऊपर वायुमंडल में जाती रहती हैं, ऊपर जाकर के बादल का रूप ले लेती हैं और ठंडा होकर वो पानी फिर पुनः पृथ्वी पर बरसात के रूप में आ जाता है। अब बरसात के रूप में जो पानी आ जाता है वो पानी कुछ पेड़ पौधों द्वारा ले लिया जाता है, कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है, कुछ पानी बह जाता है नदियों, नालों में और खेतों में, खेतों में कृषि कार्यों में प्रयोग हो जाता है, नदियों के द्वारा बह करके पुनः सागरों में चला जाता है। अब प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं, पानी को वाष्पीकृत करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, जिसे हम ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं, उस क्रिया के द्वारा पानी वाष्पीकृत करते हैं और पानी वाष्पीकृत होने के बाद में पुनः वायुमंडल में चला जाता है और जो सागरों से पानी की वाष्प उठती है उसके साथ मिलकर वो बादलों का रूप ले लेता है। अच्छा, अब जो जमीन के अंदर जो पानी जाता है वो अलग अलग भौतिक क्रियाओं के द्वारा जाता है, परकुलेशन, सीपेज इत्यादि क्रियाओं के द्वारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है और जमीन के अंदर, पानी के अंदर जो वाटर स्टोरेज होता है, जमीन के अंदर जो पानी एकत्रित होता है वो एक्वीफर्स के रूप में होता है, एक्वीफर्स पुनः रिचार्ज हो जाते हैं, उनमें पुनः पानी की भंडारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, पानी नीचे जमीन के अंदर एकत्रित होता जाता है और उसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल लेते हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो एक्वीफर्स के रिचार्ज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिन जगहों पर एक्वीफर्स का मैनेजमेंट, प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं होता है, वहाँ ग्राउंड वाटर रिचार्ज ढंग से नहीं होता है, उस क्षेत्र में पानी की समस्या आने वाले समय में हो सकती है। इसके अलावा अब मैं अपने चर्चा के दूसरे बिंदु पर आता हूँ, जल गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, पानी की वाटर क्वालिटी।
वाटर क्वालिटी, जैसा कि हम सभी जानते हैं पानी की जो आवश्यकता है हमें दैनिक कार्यों के लिए, हम सभी चाहते हैं कि हमें जो पानी मिले वो शुद्ध मिले, साफ सुथरा मिले, चाहे नहाने के लिए हो या खाने पीने के प्रयोग के लिए हो या कृषि कार्यों के लिए हो या किसी अन्य कार्य के लिए हो, तो सबकी प्राथमिकता यही रहती है कि पानी हमें शुद्ध रूप में मिले, स्वच्छ रूप में मिले और उसको हम अपने कार्यों के लिए प्रयोग कर पाए। लेकिन आज के वर्तमान युग में क्या है कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण, घटते हुए जंगलों के कारण, बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगलों के कारण, औद्योगिकरण के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की समस्या के कारण, विभिन्न कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पानी की गुणवत्ता चाहे वो सरफेस वाटर हो, सतही जल हो, या ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल हो, दोनों की गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिली है। ये सब निर्भर करता है कि पानी जो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है वो किसी औद्योगिक क्षेत्र का है या किसी घने जंगल के क्षेत्र का है या किसी ग्रामीण क्षेत्र का है जहाँ पर पॉपुलेशन लोड ज़्यादा होगा, इंडस्ट्रियल लोड ज़्यादा होगा, वहाँ का पानी चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, दोनों तरह के पानी में गिरावट देखने को मिलती है। पानी की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे कहें कि पानी गुणवत्ता युक्त है? पानी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक शब्दावली में अगर कहें तो पानी वाटर के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो पानी की गुणवत्ता, पानी गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, सब जानते हैं और हमें आवश्यकता भी है, परंतु आजकल जो पानी हमें मिल रहा है, आज हम देखते हैं कि प्रत्येक घर में आरओ लगा हुआ है, प्रत्येक कार्यालय में आरओ लगाया जा रहा है, कारण पानी शुद्ध नहीं है, हम कहीं से भी पानी को सीधा लेकर के पी नहीं सकते हैं। सबसे पहले संशय ये होता है कि कहीं पानी पीने से हम बीमार न हो जाएं, हमारा स्वास्थ्य खराब न हो जाए। तो इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए वाटर क्वालिटी पे जो चर्चा आज मैं कर रहा हूँ आपसे, वाटर क्वालिटी को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स के अंतर्गत भौतिक पैरामीटर्स होते हैं, रासायनिक पैरामीटर होते हैं और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स भी होते हैं। तो आज जो पानी के पैरामीटर्स हैं उनका निर्धारण कैसे किया गया, भारत सरकार के द्वारा कैसे किया गया, वैश्विक स्तर पर कैसे किया गया, पानी की जो गुणवत्ता है उसको निर्धारित करने के प्रत्येक देश के, दुनिया में लगभग हर देश के कुछ अपने अपने पैरामीटर्स हैं जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि उन स्टैंडर्ड्स पर वो पानी खरा उतर रहा है या नहीं, उन पैरामीटर्स के अनुसार है या नहीं। जैसे सब लोग जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा भी पानी की गुणवत्ता के संबंध में बहुत सारे पैरामीटर्स की कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, तो वो पानी जो उन गाइडलाइंस को फुलफिल करता है, उन गाइडलाइंस के अंतर्गत उनके एजेंट्स होते हैं, वो पैरामीटर्स उन गाइडलाइंस में फिट होते हैं, वो पानी गुणवत्ता युक्त होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। इसी प्रकार भारत की जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पानी की गुणवत्ता के बहुत सारे पैरामीटर्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं कि वो गाइडलाइंस क्या क्या हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार विश्व के अनेक देश जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलियन वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स अलग हैं, US EPA द्वारा कुछ अलग निर्धारण किया गया है। तो आज इसी संदर्भ में हम जो पानी की गुणवत्ता की चर्चा करेंगे वो भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार चर्चा करते हैं, कुछ पैरामीटर्स की चर्चा करते हैं, सारे पैरामीटर्स एक व्याख्यान में समाहित नहीं हो सकते हैं, तो विभिन्न पैरामीटर्स को हम व्याख्यानों में वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग व्याख्यानों में उन्हें हम लेने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आज हम जो चर्चा कर रहे हैं पानी की गुणवत्ता पर, तो उस पर पानी के जो भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार पानी की जो गुणवत्ता है उसको निर्धारित करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं। उन गाइडलाइंस के अंतर्गत बहुत सारे पैरामीटर जैसे pH हो सकता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड यानी TDS हो सकते हैं, हार्डनेस है, एल्कलिनिटी है, मेटल्स हैं, टर्बिडिटी है, पानी का कलर है, पानी के अंदर उपस्थित कॉलीफॉर्म, टोटल कॉलीफॉर्म, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, और साथ साथ पानी के अंदर अगर कुछ अन्य हानिकारक तत्व जो मौजूद है उनके एनालिसिस के लिए
अलग अलग गाइडलाइंस बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पानी के पीएच के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीएच क्या होता है, सामान्यतः पीएच क्या होता है कि किसी भी द्रव के अंदर उपस्थित किसी भी लिक्विड के अंतर्गत उपस्थित आयनों, मुख्यतः हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसके अनुसार, हाइड्रोजन आयन की जो नंबर्स हैं उनके अनुसार पानी के अंदर जो अम्लीयता या क्षारीयता की जो गुण आ जाते हैं उनको पीएच के द्वारा हम डिफाइन करते हैं। क्योंकि पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच निर्धारण के लिए जो मानक है वो 0 से 14 है। अब इस मानक के अंतर्गत अगर पानी 1 से 7 के अंतर्गत है और 7 से 14 दो कैटेगरी हैं, इनमें क्या है कि जो 7 है ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पीएच। 7 जो वैल्यू होती है, 7 जो वैल्यू होती है पीएच की, उसको उदासीन यानी न्यूट्रल वैल्यू होती है। 7 से अगर कम है तो एसिडिक, और 7 से अधिक पीएच अगर की पीएच की यदि वैल्यू है, 7 से ऊपर अगर पीएच की वैल्यू है तो वो बेसिक नेचर, 7 से कम एसिडिक और 7 से ऊपर 14 तक एल्कलाइन नेचर उस चीज की हो जाती है, उस लिक्विड की हो जाती है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं जो कि पानी की, वाटर की चर्चा कर रहे हैं। वाटर के केस में, पानी के केस में क्या है, पानी होता क्या है, बेसिकली हमारा H2O, एच आइंस प्लस OH आइंस, हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस पानी में आइंस के रूप में उपस्थित होते हैं। अब पानी की जो पीएच की हम बात कर रहे हैं, पानी का जो पीएच है उसमें पानी का पीएच होना कितना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पानी, पीने वाले पानी का पीएच कितना होना चाहिए। हम एसिडिक पानी भी नहीं पी सकते हैं और हम बेसिक अगर उसका गुण है, बेसिक की तरफ उसका जो पानी का हाइड्रोक्सिलायन का जो नंबर अगर ज़्यादा है तो वो बेसिक है तो उसको भी नहीं पी सकते हैं। यानी एसिडिक और एल्कलाइन, वाटर के केस में कहेंगे एसिडिक और एल्कलाइन, दोनों ही तरह के पानी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब पीएच एसिडिक कब होगा पानी का और एल्कलाइन कब होगा पानी का पीएच। अब पानी के अंदर क्या होता है, एच आइंस एंड ओएच आइंस, एच आइंस और ओएच आइंस दोनों होते हैं। दोनों की उपस्थिति के अनुसार उसको में निर्धारित करते हैं कि पानी कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। अब जो पीएच हमारा, अगर अम्लीयता की अगर हम बात करें तो जो एच आइंस है उनका नंबर ज्यादा होगा पानी के अंदर। अब एच आइंस का नंबर ज्यादा कब हो सकता है, पानी एसिडिक कब हो सकता है, पानी एसिडिक होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें एक मुख्य कारण यह है कि जब पानी किसी जल स्रोत से निकलता है या बहता है, बह रहा है पानी किसी जल स्रोत का और आसपास डेंस फॉरेस्ट है, खूब फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के द्वारा जो पत्तियों का पतझड़ होता है, पत्तियां नीचे सड़ती हैं, गलती हैं, उससे क्या है ह्यूमिक एसिड बनता है। ह्यूमिक एसिड क्योंकि अपने आप में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, जब वो पानी के संपर्क में आता है तो पानी को एसिडिक बना देता है, पानी हमारा अम्लीयता के गुण को अपना लेता है, पानी हमारा अम्लीय हो जाता है। अब अम्लीय पानी को भी नहीं पी सकते हैं। साथ ही साथ अब अगर हम यह कहें कि पानी क्षारी कब होगा, एल्कलाइन कब होगा, पानी एल्कलाइन कब होगा, एक्चुअल में क्या है, हम जैसा कि जानते हैं कि पानी हमारा या तो सरफेस वाटर के रूप में है या ग्राउंड वाटर के रूप में है। अब पानी जो हमारा किसी न किसी स्रोत से आ रहा है वो पहाड़ों से आ रहा है या जमीन के अंदर से आ रहा है, क्योंकि हमें सबको पता है कि पानी पहाड़ों से आ रहा है तभी वो रॉक्स के संपर्क में है, चट्टानों के संपर्क में है, और यदि जमीन के अंदर से हम उसे निकाल रहे हैं तब जमीन के अंदर जो चट्टान हैं, जमीन के अंदर जो रॉक्स हैं उनके संपर्क में है, क्योंकि रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं। तो इन मिनरल्स के द्वारा, अब कौन से मिनरल्स ऐसे हैं जो पानी को क्या करते हैं, क्षारीय बनाते हैं, सबसे अधिक हम लाइमस्टोन की बात करते हैं। लाइमस्टोन, यदि पानी हमारा ऐसी चट्टानों के संपर्क में
अधिक समय तक रहता है, जैसे लाइमस्टोन, जिनका नेचर, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो यदि पानी अगर क्षारीय चट्टानों के संपर्क में रहेगा तो उसमें क्षारीय दाग का लक्षण आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि चट्टान पानी के अंदर OH आयंस का नंबर बढ़ाएगी, पानी के अंदर हमारा क्षारीय दाग का जो लक्षण है वो बढ़ जाएगा, पानी क्षारीय हो जाएगा, और वह क्षारीय पानी भी हम नहीं पी सकते हैं। अगर क्षारीय पानी पियेंगे तब भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अम्लीय पानी पियेंगे तब भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब BIS ने क्या किया? BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा पीने वाले पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए गाइडलाइंस जो निर्धारित की गई हैं वो है 6.5 से 8.5 पीएच रेंज का। अगर पानी है 6.5 से 8.5 रेंज के पीएच का यदि पानी है तो वो ड्रिंकेबल होता है, उसे पिया जा सकता है। यदि पानी का पीएच 6.5 से कम है तब भी वो पीने के लायक नहीं है, 8.5 से यदि अधिक है तब भी वो पीने के लायक नहीं है। हमारे दोनों तरह के पानी स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। अब स्वास्थ्य को क्या हानि पहुंचती है? अगर हम एसिडिक वाटर पिएंगे तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो सकता है, पेट में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए न तो एसिडिक पानी पीना चाहिए। यदि क्षारीय पानी है, क्षारीय पानी भी पेट के अंदर जाकर के नुकसान पहुंचा सकता है। तो एसिडिक और एल्कलाइन दोनों ही पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब क्या करते हैं, प्रयोगशाला में लेबोरेटरी के अंदर पीएच का मापन कैसे करते हैं? तो एक तो बेसिक होता है सिंपल लिटमस पेपर टेस्ट, जो हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। लिटमस पेपर टेस्ट क्या होता है कि लिटमस पेपर को पानी में डाला, उसका कलर जो आया, उसको जो हमारा पहले से डिसाइडेड एक स्ट्रिप होता है, उसको डिफरेंट कलर्स होते हैं पीएच रेंज के अकॉर्डिंग, उनसे मैच करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं, ये मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि पानी का पीएच जो हमने सैंपल लिया है, पानी का जो नमूना लिया है उसका पीएच कितना है। पानी का एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा लेकिन मोटा मोटा अनुमान, एक एवरेज वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि इस पानी का नेचर एल्कलाइन है या एसिडिक है। उसके द्वारा हम पानी को कैसे पीने लायक बनाएं उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अब एक तो रही ये पीएच स्ट्रिप लिटमस पेपर टेस्ट, ये हो गया। इसके बाद में अगर प्रयोगशाला में करें तो प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, पीएच मीटर का इस्तेमाल करते हैं। पीएच मीटर के द्वारा हम पानी का सैंपल लेते हैं, पानी के सैंपल को पीएच मीटर जो हमारा पहले से कैलिब्रेटेड रहता है उसके द्वारा हम पानी का पीएच डिजिटल पीएच मीटर, आजकल तो पीएच मीटर इस प्रकार के भी आ रहे हैं कि हम अपने पॉकेट में जेब में उसको लगा सकते हैं, उस पर डिजिटल होता है, छोटा सा पेन होता है, उसमें सेल पड़ते हैं अंदर और वो पावर बैकअप रहता है, उसके द्वारा हम कहीं भी ऑन साइट जाकर के पानी का पीएच चेक कर सकते हैं पानी का पीएच। पानी का पीएच हम चेक करने के लिए उस पीएच मीटर को ऑन साइट ले जा सकते हैं, फील्ड में ले जा सकते हैं। प्रयोगशाला में करने के लिए एक दूसरे टाइप का पीएच मीटर होता है जिसमें हम पानी का सैंपल एक बीकर में लेकर के एनालिसिस करके पानी का पीएच निकाल सकते हैं। अब ये तो रही पानी के पीएच की बात, अब पानी का पीएच और क्या क्या कर सकता है, पानी के पीएच के चेंज होने पर, पानी के खारे होने पर, पानी के एल्कलाइन नेचर होने पर क्या क्या होता है? जो हमारी पानी की जो पाइपलाइंस होती हैं उनमें लेयर्स जम जाती हैं, पानी की जो कैल्शियम कार्बोनेट है पानी के अंदर उसके द्वारा पानी की क्षारीयता को बढ़ा दिया जाता है, लेयर्स बन जाती हैं, पानी हार्ड हो जाता है। अब पीएच का क्या होता है, पीएच पानी की कठोरता को, पानी की एल्कलिनिटी को, पानी में उपस्थित अन्य अवयवों मेटल्स को, उनकी सांद्रताओं को, उनकी कंसंट्रेशन को भी चेंज कर सकता है। पीएच की चेंज होने पर बहुत सारे जो गुण है पानी की, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ये पीएच की बात रही। अब हम बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की। इसके बाद बहुत सारे पैरामीटर से हम एक पैरामीटर की चर्चा और करते हैं जिस पर विशेष रूप से आजकल चर्चा होती है और जो हमारे बहुत सारी कंपनीज के द्वारा जिसकी बात की जाती है कि पानी का TDS ज़्यादा है, TDS पीने लायक नहीं है, पानी का TDS ये वाला सिस्टम ऐसा करता है, वो सिस्टम ऐसा करता है, पानी के TDS को इतना कम करता है, होना कितना चाहिए, हम चर्चा उस पर करते हैं। TDS हम सब ने सुन रखा है, हम सब के द्वारा सुना हुआ नाम है, जो आजकल आम है, प्रचलन में है। पानी से जुड़े हुए लोग, पानी से संबंधित कंपनियां,
पानी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग लगभग इस टीडीएस टर्म से, अमूमन घरों में भी जो लोग केवल सामान्य पानी पीते हैं या जिनके घरों में कुछ सिस्टम लगा हुआ है वो भी टीडीएस की बारे में सुन रखा है कि टीडीएस होता क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं पता लेकिन इतना पता है कि वो जो पानी पी रहे हैं वो कम टीडीएस का है, उन्होंने कुछ लगवाया है घर में, अपने घर में आरओ टाइप का कुछ लगवाया है या कोई दूसरा फिल्टर लगाया है उसके द्वारा वो पानी का टीडीएस उनको पीने के रेंज में मिल रहा है। अब टीडीएस को क्या कहते हैं, टीडीएस माने टोटल डिसॉल्व सॉलिड, पानी के अंदर जो कुल घुलित ठोस, टीडीएस को हिंदी में बोलेंगे कुल घुलित ठोस यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, पानी के अंदर जो उपस्थित पदार्थ हैं, अब वो पदार्थ कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों हो सकते हैं, मुख्यतया अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक होते हैं। पानी के अंदर जो टीडीएस की जो वैल्यू बढ़ती है या टीडीएस जो पानी के अंतर्गत आता है उसमें मुख्यतः जो रोल होता है, मुख्य भूमिका होती है वो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं जो पानी के टीडीएस को बढ़ाते हैं, कुल घुलित ठोस पानी के अंतर्गत बढ़ रहे हैं तो उसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के कार्बोनेट हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, इस प्रकार से इनके जो लवण हैं वो पानी में जब ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो पानी का टीडीएस बढ़ जाता है। अब पानी का टीडीएस कब बढ़ता है, पानी का टीडीएस अगर सरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर है तो पुनः उसी चर्चा पे आते हैं, कब बढ़ता है, जब पानी प्राकृतिक रूप से विभिन्न चट्टानों के संपर्क में आता है तो बहुत सारे मिनरल्स जो चट्टान के अंतर्गत होते हैं पानी के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं और पानी के टीडीएस को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ अगर ग्राउंड वाटर की बात करें, भूमिगत जल की बात करें तो भी पानी का टीडीएस बढ़ जाता है। अब पानी का टीडीएस बढ़ गया तो पानी फिर थोड़ा भारी सा हो जाता है, पीने में उसका जो स्वाद है, पानी का जो स्वाद है, जो टेस्ट है वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, पानी ज़्यादा टीडीएस होने पर पीने लायक नहीं होता है, पानी का स्वाद अच्छा नहीं होता है, जो पानी के अंदर मिठास होती है वो नहीं रहती है, जो प्राकृतिक स्वाद है पानी का वो हमें नहीं मिलता है। अब टीडीएस पानी में अगर ज़्यादा है तो टीडीएस को पानी के अंदर कम करने की बहुत सारी विधियां लोग अपनाए हुए हैं, आजकल किसी ने कोई मेम्ब्रेन लगाया हुआ है, किसी ने कोई फिल्टर लगाया हुआ है। अब भारत सरकार का जो बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो अपने भारत में प्रचलित है बीआईएस, उन्होंने कहा कि पानी जो पीने वाला है उसके अंतर्गत पीएच की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो एक निर्धारित किया गया है विशेषज्ञों के द्वारा, वो है 500 से 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर, 500 से 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगर टीडीएस पानी के अंतर्गत अगर हम टीडीएस की बात करें तो उसकी जो रेंज है, जो पैरामीटर टीडीएस होती है, जो रेंज निर्धारित की गई है बीआईएस के द्वारा, वो 500 से 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित की गई है। अब जो 500 है और जो 2000 है, अमूमन क्या है, 500 तक अगर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर टीडीएस की मात्रा है किसी पीने वाले पानी में तो हम उसको पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, लेकिन 500 से ऊपर होने पर हमें सोचना पड़ेगा कि पानी का टीडीएस क्योंकि बढ़ रहा है तो पानी का जो स्वाद है या पानी का जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है उससे बचने के लिए, दुष्प्रभाव से बचने के लिए, उसके भारीपन या जो शरीर में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो प्रभावित करता है, पेट में जो समस्याएं पैदा होंगी ज़्यादा टीडीएस के होने की वजह से, उसको कम करने के लिए हमको टीडीएस को घटाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर जो पानी की लिमिट है उससे ऊपर का पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा टीडीएस का पानी पिएंगे तो आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो पानी का जो टीडीएस है उसको हम जो प्रयोगशाला में निर्धारित करते हैं या ज्ञात करते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास टीडीएस मीटर आता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आजकल जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, एक पेन के रूप में एक इंस्ट्रूमेंट दे देती हैं और उसको, उसके द्वारा हम बहुत सारे मल्टी पैरामीटर्स डिसाइड कर सकते हैं, पानी के अंदर हम पीएच भी ज्ञात कर सकते हैं, पानी के अंदर हम टीडीएस भी ज्ञात कर सकते हैं, पानी के अंदर हम हार्डनेस भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आजकल आ रहे हैं जिसको हम ऑन साइट फील्ड में भी ले जा सकते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत सारे पैरामीटर्स एनालिसिस कर सकते हैं, तो टीडीएस को हम एक तो उस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, लेबोरेटरी में दूसरा मेथड भी होता है,
लेबोरेटरी में टीडीएस मीटर एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसके द्वारा हम टीडीएस ज्ञात कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास तो पानी में जो घुला हुआ ठोस है, जो टीडीएस है, कुल गलित ठोस है, उसको हम बिना किसी बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट के भी ज्ञात कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम एक पात्र लेते हैं, वेसल लेते हैं, उसमें हम कैलकुलेटेड अमाउंट में पानी लेते हैं, उसको हम बॉयल करा देते हैं, फिर हमारा पानी वो एक पपड़ी के रूप में होता है, उसको हम रिमूव करके पहले का भार, उस वेसल का पहले का भार और पपड़ी आने के बाद के भार का जो डिफरेंस है उसको निकाल करके हम एक निश्चित मात्रा में घुले हुए ठोस को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह हमें प्रति लीटर पानी में घुले हुए ठोस की मात्रा भी गणनाओं के आधार पर ज्ञात हो जाती है। तो पानी में TDS और PH ये दोनों ही पैरामीटर्स इतने महत्वपूर्ण हैं जिनका हमें अध्ययन और ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादा PH, कम PH, ज़्यादा TDS का पानी और कम PH का पानी, हाँ कम TDS, एक बात और महत्वपूर्ण रूप से मैं बताऊंगा कि अगर पानी का TDS हमने किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इतना कम कर दिया, यानी पानी को छान दिया इतनी महीन झिल्लियों के द्वारा, इतनी महीन मेम्ब्रेन्स के द्वारा, अगर पानी को हम बहुत सारी मेम्ब्रेन्स के द्वारा पानी को इतना छान दें कि उसका TDS नगण्य हो जाए, बहुत कम हो जाए, तब तो वो पानी पीने लायक भी नहीं रहेगा। TDS एक निश्चित मात्रा में भी शरीर को आवश्यकता होती है TDS की। हम ये नहीं कह सकते कि TDS 50 का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं, नॉर्मल हम जो पानी पी सकते हैं, जो मैं अपने विचार रखना चाहूँगा, वो पानी हमारा 150 के आसपास हम आराम से पी सकते हैं, क्योंकि वो उतना आवश्यक भी है शरीर के लिए। यदि पानी में TDS नहीं होगा तो हमारे शरीर को मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, फिर तो वो पानी हमारे पीने लायक नहीं रहेगा। हम जो पानी क्यों पीते हैं, पानी हम इसलिए पीते हैं, तो प्यास हमारे शरीर को लगती है, साथ ही साथ हमारे शरीर को कुछ खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है जो हमें पानी के द्वारा भी सीधे रूप में मिल जाते हैं। यदि पानी को हम बहुत ज़्यादा छान देंगे, जैसे हम रोज अगर हम आटा को रोज छानें, महीन कपड़े से, महीन छलनी से छानें और वो आटा ना होकर के मैदा हो जाए और रोज हम मैदा की रोटी खाएं, तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमारा शरीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाएगी। इसी प्रकार से यह पानी भी है, पानी को अगर हम बहुत ज़्यादा कई मेम्ब्रेन से, बारीक बारीक पोर साइज की जो मेम्ब्रेन हैं, उनके द्वारा फिल्टर करके निकालेंगे तो पानी का TDS इतना कम हो जाएगा कि वो पीने लायक नहीं रहेगा। तो हमें निश्चित मात्रा में TDS की भी आवश्यकता होती है। तो हम पानी को एक साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करें और समझें, और ये भी सोचें कि आजकल जो भ्रामक विज्ञापन चल रहे हैं कि TDS इतना नहीं होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, लोगों को जानकारी नहीं है TDS कितना होना चाहिए, TDS को हम यह ज्ञात करें कि हमें आवश्यकता है TDS की शरीर को, तो हमें TDS वाला पानी भी लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा TDS नहीं होना चाहिए। तो कंपनियों के भ्रामक विज्ञापन में नहीं आए, किसी विक्रेता के भ्रामक सलाह में नहीं आए, हम ये देखें कि हमें पानी की आवश्यकता है और जो हमने घर में मशीन लगाई है वो कितना एक्चुअल में दे रही है। और जब बहुत ज़्यादा पानी मीठा हो जाएगा, TDS कम हो जाएगा, तो लगेगा बहुत अच्छा मीठा पानी आ रहा है, लेकिन TDS तो उसमें है ही नहीं है। तो TDS थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, तो ये भी विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। हम यह नहीं कहते कि पानी का TDS बहुत ज़्यादा अच्छा होता है या बहुत कम अच्छा होता है, लेकिन सामान्य तरीके से वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रमाणित किया गया है कि शरीर में मिनरल्स का जाना भी जरूरी है, और सामान्यतः 150 के आसपास का पानी नुकसानदायक नहीं होता है, हम उसे इजीली आसानी से बचा सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। तो निश्चित रूप से PH और TDS दो ऐसे पैरामीटर हैं जिनके द्वारा पानी की गुणवत्ता निर्धारित होती है। आज का जो व्याख्यान है इसमें मैंने आपसे PH और TDS की चर्चा की। अब आने वाले समय में, आने वाले व्याख्यान में हम और वाटर क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।